हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रिया विकास ब्लॉग। सो आज हम फिर लेकर आए हैं अपना एक और दिवाली ब्लॉग। सो जैसा कि आपको पता है कि हम हर साल दिवाली एक दिन बाद मनाते हैं जैनों में थोड़ा सा हाँ कई बार सिस्टम डिफरेंट हो जाता है, बट हाँ दिवाली इज दिवाली। तो आज हमारी दिवाली है और दिवाली हमने मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम अपने गांव में अपने घर पे ही मनाई है। पिछले साल जबकि कियाना छोटी थी तो हमने दिवाली स्कॉटलैंड में मनाई थी क्योंकि वहाँ पे पापा और मम्मी आए हुए थे, बट दिस साल हम कियाना को लेकर इंडिया आए हुए हैं और दिस इज कियाना's फर्स्ट इंडिया ट्रिप एज वेल एज कियाना's फर्स्ट इंडिया दिवाली। तो अब हम फटाफट रेडी हो गए हैं। हमारे यहाँ आपको मैंने पता ये लास्ट ईयर भी पहनी थी साड़ी, बट अभी सुबह पहनती हूँ, शाम को नहीं पहनूंगी। हमारे यहाँ जैनों में सुबह सुबह मंदिर में पूजा होती है, भगवान को निर्वाण लाडू चढ़ता है। भगवान महावीर स्वामी को आज के दिन मोक्ष प्राप्त हुआ था तो हम बस उसी पूजा को करने के लिए अभी मंदिर जा रहे हैं। होप सो मैं वहाँ पे आपको थोड़ा बहुत दिखाऊंगा कि हम पूजा में क्या करते हैं, अगर पॉसिबल हो पाया तो वीडियो रिकॉर्ड। हाँ, और उसके बाद फिर हम आपको आगे की और एक्टिविटीज दिखाते हैं और लोगों से मिलवाते हैं और आज का दिन कंटिन्यू ये दिवाली ब्लॉग चलेगा। हो सकता है एक ब्लॉग बन पाए या हो सकता है दो ब्लॉग बने। ओके बाय बाय, लेट हो रहे हम। सो गाइस हम सब पहुंच गए खेत। ये खेत तो अभी ब्लॉगिंग में किसी को ज्यादा इंटरेस्ट है नहीं, सब अपने अपने फोटो। हम लोग खेत आए हैं, फिर उसके बाद खेत के बाद हम जाएंगे वापस घर ऑब्वियसली। और तो कहीं हम अभी ताजे ताजे समोसे लेकर आए, बट क्योंकि गाइस हमें बहुत भूख लगी है, बट बिफोर वी ओपन द पैकेट and these guys said that you have to go to khet. हम खेत आ गए। हाँ बताओ भाई जी, आके अच्छी लग रही हूँ। हाँ तो नाम भी तो बताओ अपने अपने। सौम्या, मैं भी अच्छी लग रही हूँ। हुई सौम्या, she's सौम्या। ओह ऑल राइट। और वहाँ पे भी काफी लोग हैं और ये है हमारा पुस्तैनी खेत और इसमें एक पुराना कुआं भी है। और अगर मैं आपको ये दिखाऊं तो इस कुएं में भाई गिर ना जाए, ये कुएं में पानी ही नहीं है। रुको मैं बैक कर। सो गाइस कुएं तो इस कुएं में बिल्कुल पानी नहीं है। कभी हम इस कुएं में नहाया करते थे, मतलब इस कुएं के पानी से। इस कुएं में कैसे नहाते थे? तो ये जो कुएं के साइड में ये जो इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, हौज। तो इस हौज में हम नहाया करते थे और फिर ये हौज बहुत खास थी तो इसीलिए हम इसको हौज खास बोलते थे। तो दिस इज ऑल आवर बिग 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 लैंड ऑफ व्हाट, एग्रीकल्चरल लैंड। तो ये है खेत और खेत में क्या लगा हुआ भाई? अभी ये गेहूं। तो आप देख सकते हैं गेहूं की लहलहाती हुई फसल कुछ दिन में और बड़ी हो जाएगी, फिर और बड़ी हो जाएगी और फिर फाइनली कट जाएगी। और ये लगे हुए हैं कुछ पपाया, बोले तो पपीता, अभी ये कच्चे हैं। और उधर आम का पेड़ लगा है तो अभी तो आई गेस आम का सीजन है नहीं, तो जब आम का सीजन होगा तो वहाँ आम आएंगे। हाँ ये सब लोग पूजा को देखते हैं। यहाँ कोई पूजा नाम की लड़की नहीं है, पूजा होते हुए देखते हैं। हेलो गाइस, सबके शक्ल ऐसे ज़ूम लेके मत लेना। माचिस है ना? हाँ भैया, हवा भी चल रही है। सो अभी रख के देख रहे हैं, फूल हुआ तो ठीक, नहीं तो तोड़ तोड़ के उसी को वैसे कर देंगे। समझ गए? दो दस मिनट लगेगा उसमें, नहीं है टेंशन। इसमें अंदर क्या भरू और क्रॉस करके से बना दूं। क्या बन रहा है जी? बताओ। ये बन रहा है चौक।
जो हम लोग के यहाँ बनता है पूजा के टाइम पे, और वो सबके यहाँ बनता है। ओके, क्यों बनता है? क्योंकि इसी में दिया जलाते हैं, शो होता है। नहीं फूलों का क्या बना रहे? फूल गाइस, ये फूलों की हम रंगोली बनाएंगे अभी। कुछ देर बाद जब ये चौक बन जाएगा तब भाभी बनाएंगी। कुछ देर बाद नहीं, जस्ट नाउ आफ्टर द, इसके बाद बस वही बात। गाइस, हमारे यहाँ पूजा में हम लोग फरायरी रखते हैं, मतलब रात में जो नहीं खा सकते वो, सो जो खा सकते, सॉरी रात में जो खा सकते हैं। सो हमने ये पापा पेड़े लाए थे, ये जलेबी हैं और केले के चिप्स, और ये सिंगाड़े के नमकीन, और इसमें मूंगफली है जो मैंने तली है। सो ये है, सो ये नाश्ता है, ये मैं थाली में लगाऊंगी अभी, और बस तो ये अभी मैं रखते जाती हूँ, उसके बाद हम रेडी होते हैं शाम की पूजा के लिए। क्षेत्र भारत खंडे भारत देशे मध्य देशे प्रतिशत क्षेत्र त्योरी ग्रामे मासानुमासे कार्तिक मासे कृष्ण पक्षे लो लो इधर जो शुभ कर्म अवसरे भगवान महावीर स्वामी निर्वाण कल्याणक उत्सवे गौतम गणधर स्वामी केवल ज्ञान कल्याणक उत्सवे श्रीमान जिनेन्द्र कुमार जैन श्री जिनेन्द्र कुमार जैन श्री विकास कुमार जैन प्रस्ताभ्याम मंगल कुंभम स्थाप्यामी मंगलम भवति नहीं बनती ऐसे नहीं बना उसी के लाने थे दुरंतमो संतान कांतार बेलक्षमं नरभय प्रज्वलताम्रम ओम दिग्गम प्रज्वालयामिति मोहांधकारं पहाय मम हृदये ज्ञान ज्योति स्फुरायमानं करोतु इति स्वाहा। दुरंतमो संतान कांतार बेलक्षमं नरभय प्रज्वालयामिति फलाफलताम्रम ओम रीम दीपकम प्रज्वालयामि स्वाहा।
जल गई है छत को उस पे जल गई।